देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं और 8 जून को पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, 8 जून को पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं राष्ट्रपति भवन, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन में, आज वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके अलावा एनडीए की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में भी शामिल होंगे पीएम। 8 जून को पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं, बताओ प्रधानमंत्री, तीसरी बार हैट्रिक जीत किए और जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बातचीत के सिलसिले में हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं और 8 जून को पीएम मोदी ले सकते हैं शपथ। बड़ी खबर, 8 जून को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। 8 जून को पीएम मोदी शपथ लेते हैं तो एक बार फिर वही नजारा जो 2019 में देखने को मिला था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, 2014 में उन्होंने शपथ ली और अब तीसरी बार वो शपथ लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 8 जून को मोदी शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति को उससे पहले इस्तीफा सौंप सकते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और इस्तीफा सौंपने की खबरें सामने आ रही हैं। 8 जून का डेट वो बताया जा रहा है, 8 जून जब पीएम जो है शपथ ग्रहण कर सकते हैं बतौर प्रधानमंत्री, वो शपथ ग्रहण करेंगे। अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, पुख्ता जानकारी कुछ समय बाद ही पता चल सकेगी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यही पता चल सका है कि प्रधानमंत्री 8 जून को शपथ ले सकते हैं राष्ट्रपति भवन, पहुंच चुके हैं पीएम और आज ही इस्तीफा भी सौंप सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है और सूत्रों के हवाले से ही यही जानकारी कि 8 जून को मोदी शपथ ले सकते हैं। तो क्या 8 जून वो तारीख होगी जब हम प्रधानमंत्री को एक बार फिर से शपथ लेते देखेंगे? इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि 8 जून का दिन शपथ ग्रहण का हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और अभी मौजूदा समय में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और यहां पर वो इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। तो तारीख क्या 8 जून ही होगी, इस पर सस्पेंस बहुत जल्द खत्म होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा कार्यकाल, लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी लगातार चर्चा में है और अब तक की जानकारी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि 8 जून को शपथ ले सकते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को रख सकते हैं, इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो गया है। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। संभव है कि 2 से 3 दिन में नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन क्योंकि पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और 8 जून को शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में आज शाम 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है, इसमें जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार, टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू समेत अन्य नेता शामिल होंगे। एनडीए के सहयोगियों से बातचीत के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, इसमें सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार सुबह ही
दिल्ली पहुंच गए। चंद्रबाबू नायडू भी दोपहर तक दिल्ली पहुंच सकते हैं और एक अहम जो मुलाकात और कहते मीटिंग है वो अभी बाकी है, तो उस मीटिंग का भी इंतजार किया जा रहा है। विनीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी आपके पास शपथ ग्रहण को लेकर? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार 8 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री में अपना जो है तीसरे कार्यकाल का शपथ ले सकते हैं। इससे पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है अब से थोड़ी देर बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। चाहे चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात करें, वो टीडीपी से आते हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार जो है वो मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता है चिराग पासवान वो मौजूद रहेंगे, तमाम जो घटक दल हैं, चाहे अपना दल के अनुप्रिया पटेल की बात अगर हम करें तो वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकती हैं। तो साफ तौर पर यहां पर जो है घटक दल जो है महत्वपूर्ण, यहां पर यह माना जा रहा है कि एक प्रस्ताव जो है वो पारित होगा जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो एनडीए का नेता जो है वो चुना जाएगा और उसके बाद सभी जो दल है वो अपना समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। जो समर्थन का जो पत्र होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में देंगे, जिसे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उसमें उस पर वहां पर जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक और बात यहां पर मैं आपको बता